बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयद हमज़ा और आप देख रहे हैं सैयद हमज़ा ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आपने ये गौर किया होगा कि जब हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है रिकमेंडेड फॉर यू ऐसी वीडियोज़, ऐसे पिक्चर जो हम बार बार देखते हैं, या टिकटॉक पे जो भी सोशल ऐप हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे साथ ये बार बार आता है कि रिकमेंड फॉर यू, कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर, कोई इस तरह रिलेटेड जो हम पसंद करते हैं, जो हम बार बार लाइक करते हैं, जो हम कमेंट करते हैं, तो वो आ जाती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट हमसे ज़्यादा जाने, एक आर्टिफिशियल दिमाग हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करें, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अक्सर हम अपने मोबाइल फ़ोन से कभी कोई पैकेज एक्टिवेट करते हैं, तो एक कोड हम डायल करते हैं और वहीं से हमें मैसेज आ जाता है कि आपका सब्सक्रिप्शन हो गया है पैकेज या नहीं हुआ, या आपका बैलेंस कम है, आपका बैलेंस ज़्यादा है, या जब हमारे मोबाइल में बैलेंस कम हो जाए और हमें मैसेज आ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, अक्सर यूनिवर्सिटी में जो है वो इसमें काफ़ी स्कोप पढ़ाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले है टेस्ला, जो कि ऐसे कारें बना रही हैं कि अगर हम उसमें बैठ जाएँ और उसमें हम फिर अपनी डेस्टिनेशन टाइप करें हमने वहाँ जाना है, तो वहाँ कि ट्रैफिक में कैसे रुकेगी, किस रूट पे जाएगी, किस तरह जाएगी, कितने टाइम में जाएगी, वो हमें पहुंचा के वापस आएगी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरेस्ट है तो आप कितना जानते हैं, आप हम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सैयद हमज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।